स्टूडेंट दिस इज योर एसे बुक एंड इन टूडे क्लास वी विल डू द बैक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर ट्वेंटी टू लाइफ ऑफ द अर्ली मैन पार्ट वन लास्ट क्लास वी रेड दिस चैप्टर यहाँ पे अर्ली मैन यानी जो मैन की स्टोरी है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले स्टार्ट होती है और वो पहले सबसे पहले जंगल में रहता था वहाँ वो वहाँ के फ्रूट्स को खाता था या तो एनिमल्स के जो रॉ फ्लैश होता है कच्चा मांस उसको खाता था और वो फूड के लिए वन प्लेस टू अनदर अंड्र प्लेस मूव करता था फिर उसने धीरे धीरे औजार बनाना सीखा औजार सबसे पहला औजार जो था उसका स्टोन था पत्थरों से मारता था फिर धीरे धीरे उसने एक आ, लकड़ी का जो डंडा होता है एज अ वेपन उसको स्टिक को यूज़ किया और फिर उसमें आ, वो स्टोन को जो उसने शार्प आ, करके बनाया था औजार बनाया था उसमें बांध दिया और बांध करके वो एनिमल को मारने लगे, अब वो इजी हो गया क्योंकि उसको जानवर को पास से ना मार के दूर दूर से मार सकता था और जो उसके फूड की जो तलाश थी वो आ, ये टूल्स का, आ, की वजह से उसके लिए इजी हो गया ठीक है फिर आ, उसका क्लॉथ भी जो था सबसे पहले वो एनिमल का स्किन था या तो वो पेड़ की बार्क को, को आ, कवर करने के लिए पहनता था या तो फिर एनिमल की स्किन को आ, पहनता था फिर धीरे धीरे फायर का आ, फायर की डिस्कवरी हुई जिसकी वजह से उस आ, उसको लगा कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है वाइल्ड एनिमल से और ठंड में उससे बचा भी जा सकता है और एक बार जंगल में आ, आग लगने पर आ, जंगल में आग क्या मतलब कि वो आ, आग से सेक रहा था तो उसका जो फूड आ, जो खा रहा था कच्चे मांस को उसमें गिर जाता है फिर उसके बाद में जब वो खाते हैं तो उसको बहुत ही टेस्टी लगता है उसे लगता है कि ये तो कच्चे से ज्यादा अच्छा है सॉफ्ट भी है तो उसने उसको पका के भून के खाना स्टार्ट कर दिया ठीक है तो पकाने में भी उसने क्या किया सबसे पहले रोस्ट किया उसको तो इसका बैक एक्सरसाइज है ठीक है यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द अर्ली मैन लिव तो कौन सी प्लेस पे अर्ली मैन रहता था बिल्डिंग नो बेंगलो नो केव्स यस टाउन टाउन भी नहीं था उस वक्त केव्स यानी गुफाओं में रहता था ये केव्स जो है वो नेचुरल होती हैं इट वॉज द फूड ऑफ अली मैन अली मैन का फूड था एनिमल फ्लैश मिल्क चॉकलेट राइस तो एनिमल फ्लैश जो था वो था ना तो मिल्क था न चॉकलेट और नाइस था विच ऑफ द फॉलोइंग थिंगर यूज बाय द अली मैन टू कवर देअर बॉडी स्टॉन एनिमल स्किन येस एनिमल स्किन बाकी क्लॉथ कॉटन और नन ऑफ डीज तो नहीं है इसमें से इट मेड द एनिमल फ्लैश मोर सॉफ्टर देन एंड टेस्टियर टू ईट क्या चीज ने फ्लैश को सॉफ्टर बनाया और टेस्टियर बनाया कुकर yes, उस वक्त नहीं थे ना तो स्पाइस थे ना वाटर था वाटर तो था लेकिन मतलब कि इन सब का यूज उसने किया नहीं था ब्लैंक्स मैनस फर्स्ट टूल वॉज मैन का सबसे पहला स्टूल क्या था स्टोन कुक्ड फ्लैश इज टेस्टियर देन रॉ फ्लैश यानी रॉ मीज होता है कच्चा कच्चे मांस से ज्यादा टेस्टियर था कोकड फूक यानी पका हुआ खाना अली मैन वॉज डैश ऑफ फायर अली मैन फायर से क्या है वो डरता था सबसे पहले ही इन्जॉयड द डैश ऑफ फायर उसने क्या फायर का क्या इन्जॉय किया वार्मी यानि उसकी गर्मी ठंड में जब हम उसके पास बैठते तो हमें उसकी गर्मी जो है बहुत अच्छी लगती है मैन सर्च फॉर डैश बिकम ईजियर विद इन्वेंशन ऑफ टूल्स इन्वेन्शन ऑफ टूल्स यानी टूल्स के अविष्कार से ईजी हो गया क्या सर्च ऑफ फूड सर्च फॉर फूड जो फूड की जो तलाश थी उसकी वो टूल्स के इन्वेंशन से उसकी इजी हो गई अब ट्रू फॉल्स बताना हमें लाइफ वॉज वेरी इजी फॉर अर्ली मैन अर्ली मैन की लाइफ बहुत ही ईजी थी नो इट्स फॉल्स ईजी नहीं थी उसे भटकना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह फूड की तलाश में अर्ली मैन मेड टूल्स विथ स्टोन न yes, ने स्टोन से अपने टूल्स बनाए थे इट इज ट्रू अली मैन वो क्लॉथ्स मेड ऑफ कॉटन अली मैन जो है वो कॉटन के बने हुए कपड़े पहनता था नो इट्स फॉल्स दे एट ओनली चाइनीज फूड वो ओनली चाइनीज फूड खाते थे नो इट्स ऑल्सो फॉल्स फायर प्रोटेक्ट प्रोटेक्टेड अली मैन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल आग जो है वो अली मैन को प्रोटेक्ट करती थी वाइल्ड एनिमल से येस इट इज़ ट्रू नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है उसको नोटबुक में करना है उस आ, और ये वर्क आपने अच्छे से अपनी बुक में नोट करना है और साथ में लर्न भी करना है ओके थैंक यू